ठीक है, तो हम वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसके पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थे, उसके भी कुछ डिस्कस करने बाकी है 3-4 क्वेश्चंस। ठीक है, उसको साइड में रखते हैं, पहले इसे कंप्लीट करें थे। पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वी वन एंड रिमेनिंग हाफ विद द वी टू वेलोसिटी। हमें पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या ये कोई एक स्टैंडर्ड केस बन रहा है क्या? यस yes. क्या है यहां पे, क्या इक्वल है? डिस्टेंस इक्वल है ना, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का? 2v1v2/v1+v2 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था सिंपल फॉर्मूला ही पूछ लिया। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। This is our second question. Third question. Second graph वाला था, लिया नहीं मैंने, वो बाद में करवाऊंगा। Third question पे आते हैं। चलो इसे सॉल्व करो बच्चों, चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कितना आया? Car travels from A. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A टू B जा रही कोई गाड़ी। अब गाड़ी कहाँ दिखा दे बेटे, एरो से दिखा दो सर, कितनी स्पीड है V1 से दिखा दो। कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर पीछे से मेरी हैंडराइटिंग अगर नहीं दिख रही तो प्लीज मुझे बता, मैं हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी लिखा रहा हूं। क्लियर दिख रहा है क्या ये लास्ट टेस्ट? ओम दिखता है दुला है, कितनी है? 20। तो बी से वापस ए जा रहा है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है ये वापस रिटर्न? 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें पूछिए बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा ना, ए टू बी और वापस बी टू, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा लगा देना है, अपॉन V1 प्लस V2। 2 into V1 कितना है? 20 into ये कितना है? 30 divided by 20 plus 30. तो ये कितना होगा? 120 और एक जीरो और नीचे कितना है? 50, ये हटा दिया, कितना आएगा ये? 120 24, कितना आ गया ये? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। 25 कैसे आया रे, कैलकुलेशन ठीक से नहीं करते हो? नहीं, वो ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, 25 कैसे आया होगा? 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। क्या रे, हाँ बोलो, किसने किया 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2? 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कब करेंगे ऑन अ वेरी सीरियस नोट? जब इक्वल टाइम है, करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, चलो भाई साहब अगला सवाल सॉल्व करो। एक बच्चा चल रहा है, बच्चा क्या कह रहा है देखो, अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल, तो ये उसका घर है, ये बॉय है, हाँ जी बॉय जा रहा है स्कूल में, देखो स्कूल जा रहा है बच्चा, 6 किलोमीटर का घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। कितने स्पीड से जा रहा है? V1 लिख लो इसे, कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। और फिर स्कूल खत्म हो गई, छुट्टी हो गई, यहां से फिर पीछे जा रहा है, स्कूल ऐसे कैसे दिखाई सर आप? ये स्कूल है, स्कूल से छुट्टी हो गई, V2 स्पीड दिखाओ, कितने स्पीड से रिटर्न जा रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बच्चों ये घर जा रहा है। स्कूल छूटने के बाद तेजी से ही जाते हैं हम, जब स्कूल शुरू होती है तब कितना स्लो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था इसका, धीरे जा रहा, स्कूल छूट गई, भूख लगी थी, तेजी से जा रहा। मुझे बताओ यहाँ क्या सेम है, घर से स्कूल का डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है? डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते? 2v1v2/v1+v2। किसका फॉर्मूला ये? ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वही पूछा है ना, अराउंड द ट्रिप में एवरेज स्पीड पूछा है। हाँ, वेलोसिटी पूछते तो जीरो होती ना, 2 into क्या करे रे? 2.5। v2 कितना है? 4/2.5+4। ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। चलो इसे सॉल्व करते, 2.5 into 2 50, मतलब 5 हो गया, 5 into 4 कितना आ गया है? 20। नीचे कितना आ गया ये? 4, 5, 6, 6.5। कितना आ गया? हमने देखा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अरे बच्चे देख, कैलकुलेशन आ गया तो ध्यान ज्यादा देना है, बात नहीं करना है, तो 200 हो गया ऊपर। अरे ये क्या किया सर, डेसिमल था ना, अच्छा नहीं लगता डेसिमल, न्यूमरेटर छोटा है, अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कितना बढ़िया दिखेगा देखना बच्चों, ये कितना मस्त दिखेगा, 200 डिवाइडेड बाय
65, ठीक है। तो ये लास्ट में 5 यहाँ 0 मतलब 5 के टेबल में हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 जा मतलब 40 हो गया, ठीक है, 5 1 जा 5 और ये कितना आ गया 5 3 जा 15, ठीक है, 15 त्रिक 45 म्हणजे हे 40 अपॉन किती आला 13, 40/13 क्या ये स्पीड है मतलब किलोमीटर किसमें यूनिट में, किलोमीटर पर आर में है ये, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आया ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड में है ये, बाद में कभी भी देख सकते, सो डू दिस क्वेश्चन अभी। ऑलराइट, फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, दो पॉइंट है मतलब v1 यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर है, टोटल डिस्टेंस जो दिया भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, सेकेंड हाफ मतलब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, एंड दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं, और बच्चे हंसते खेलते बातें करते हुए आंसर निकालते, 2 × 30 50 / 30+, सूत्रों के हवाले से पता चला है बच्चे बातें करने में मगन है, और नीचे 50 + 30 कितना आता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे को लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 80, इसको उड़ा दिया, ये इसको वो 4 बना दिया, इसको हमने 25 बना दिया, इसको हमने 2 बना दिया, ये कितना आ गया 75/2। हाँ जी भाई साहब, 37.5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है, बोलो इतने सवाल किए हमने, अभी आना चाहिए अगला सवाल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कार मूविंग एट अ स्ट्रेट रोड कवर 1/3, अलग है एवरीवन, प्लीज नया क्वेश्चन मिल गया है, बधाई हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस है क्या, हमने चेक किया कहीं इक्वल डिस्टेंस नहीं है सर, इक्वल टाइम है क्या, नहीं, चेक करते कहाँ मिला सर आपको, ये कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, 1/3 मतलब, अरे सुन रहे भाई कॉन्सेप्ट है समझ में आए, कंसिडर करेंगे टोटल डिस्टेंस एक्स है, कंसिडर क्या करेंगे हम टोटल डिस्टेंस, तो बोलो सब लोग क्या कंसिडर करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या है एक्स, हाँ 1/3 क्या होगा फिर, इसका एक्स बाय थ्री होगा, 1/3 अगर एक्स है तो 1/3 उसका एक्स बाय थ्री होगा, ठीक है, एक्स बाय थ्री डिस्टेंस है, कितने स्पीड से कवर कर रहा है ये, और तुम्हें यहां लिख लेता वो v1 लिख लेते इसको, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है, पहला 1/3 है, बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा फिर, मतलब x माइनस क्या करोगे, x बाय थ्री करोगे, सर आप यहां लिखते क्यों नहीं, x माइनस x बाय थ्री होगा, तो ये x और x गया मतलब जीरो होगा, ऐसा थोड़ी ना करते हैं ना, ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो x माइनस x बाय थ्री कितना आया, तो ये डिस्टेंस हमें मिला कितना आया, ये डिस्टेंस 2x बाय, कितना सिंपल है, और वहां की स्पीड बता दीजिए बच्चों को, व्हाट इज द स्पीड देयर, 60 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, यही चीज मैं नीचे लिखता हूं ताकि हमारी फोटोजेनिक मेमोरी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील हो हमें, ठीक है, कौन सी मेमोरी बच्चों, मतलब जब दिखने में सिस्टमेटिक हो तो समझने में भी आसान होगा, ये कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड क्वेश्चन में कितनी दी थी 60 किलोमीटर पर आवर, क्या यार डिस्टेंस सेम है क्या, ना कहीं क्वेश्चन में दिया है, अरे यार ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि टाइम सेम है, ना यहाँ पे ये फॉर्मूला बैठेगा, ना ही हम यहाँ पे ये जो जब टाइम इक्वल होता है वो वाला फॉर्मूला, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ही नहीं, हमने कहीं लिखा था अगर कोई केस मैच नहीं होती तो क्या करना है, तो क्या करना है, रेगुलर वाला हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, चलो बच्चों रेगुलर वाला सब लोग प्लीज ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर अभी देखने को मिले, ठीक, कलर चेंज करते हैं, ब्राउन कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दिस पर ठीक है, तो हमने यहां लिखा, इसके बाद हम अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं आंसर, आंसर की तलाश में, स्पीड है या डिस्टेंस क्या मतलब है, स्पीड पूछा है वेलोसिटी, तो स्पीड पूछा है तो ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बच्चों सुनो, मैंने यहां देखा और बच्चों की तरफ देखा, बच्चों का ध्यान आकर्षित हुआ, टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है x, कोई कहेगा सर x बाय थ्री प्लस 2x बाय थ्री है ना, वो मिला के कितना आ रहा है
सो हमारे पास यार डिस्टेंस की कोई कमी नहीं, टाइम पता है क्या, पता कर लेंगे। यहां आने का और यहां आने का टाइम सेम नहीं होगा ना, स्पीड और डिस्टेंस सब कुछ अलग है। यहाँ का टाइम T1, यहाँ का टाइम T2। ओके सर, ऐसा कुछ करना है क्या? बच्चों सॉल्व तो तुम लोग ही करोगे, मैं तो बस यहाँ पे हिंट देके तुम लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। अभी कोई मुझे बताएगा आगे क्या करे? T1 और T2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो सब्स्टिट्यूट T1, यहाँ का टाइम T1 था ना और यहाँ का टाइम T2, तो वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इस इंटरवल का क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 को बच्चे लिखेंगे, डिस्टेंस कितना यहाँ? x/3 अपॉन स्पीड कितनी यहाँ की? 20। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो वो 3 नीचे आएगा ना, 3 × 20 कितना हो जाएगा? ये 60 आ जाएगा। ये T1 को पुट करेंगे बच्चे, ध्यान देंगे, बातें नहीं, बातें तो कभी भी होगी, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं हो सकती है। अभी यहाँ का डिस्टेंस हमने देखा कितना है, 2x/3, स्पीड कितनी यहाँ की? 60। तो यहाँ T2 को हम लिखेंगे 2x/120 और ये हो जाएगा x/180 हो रहा है, वो 120 लिख दिया, 2x/180, तो कितना होगा x/90। तो यहाँ पुट करोगे, एनीवे x कट हो जाएगा और मुझे आंसर बताओगे। चलो करो, सो पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू। x डिवाइडेड बाय टाइम को सर वहां से पुट करेंगे, x/60, यहां से पुट किया x/90, यहां से x कॉमन ले लिया 90 प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई काइज केला नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई केला है, 60 × 90, x को काट दिया, ये ऊपर जाएगा 60 × 90 / 150। एक जीरो यहां से काट दो, ये जीरो हमने यहां से काट दिया, ठीक है। अभी कट कर सकते हैं इसको, कर 9 को मैं 3 बना देता हूं, 3 के टेबल में आता है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 5 आ गया, 6 × 3 = 180 / 5। अभी आएगा हमें 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 16, 17, 18, 3 = 30, 6 × 30, तो आंसर इज 36 km/h, 36 km/h, दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। ठीक, टाइम सेम है, कहां पता चला हाफ ऑफ द टाइम, मतलब इक्वल टाइम है, ठीक है। इक्वल टाइम वाला फॉर्मूला भी हमारे पास है, टी टाइम पे यहाँ पहले स्पीड थी 80 km/h, सबसे सस्ता फॉर्मूला है, 4 आने का फॉर्मूला बता दो, एवरेज वेलोसिटी का 4 आने का फॉर्मूला जब टाइम इक्वल होता है, तो v1 + v2/2 कितना आया बच्चों, ये 80 + 40 / 2, 120/2, 60 km/h, ठीक है। चिल्लर चिल्लर सवाल, ठीक है, अब फटाफट करो इसे, मुझे शर्म आ रही है अभी, सेम सेम सवाल आ, कोई आंसर क्यों नहीं बता रहा है मुझे, ऐसा आंसर है पूरे क्लास का सेम आंसर आना चाहिए। अभी 48 ट्रेन जा रही है, कितनी स्पीड से? 60 km/h से, फॉर दी फर्स्ट 1 आवर, पहले 1 घंटे के लिए, मतलब टाइम कितना है ये 1 आवर, फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, T2 है कितना है, नेक्स्ट हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के लिए कितने स्पीड से जा रही है, 40 km/h। बच्चों यहाँ क्या सेम है? कुछ भी सेम नहीं है, ये टाइम अलग है ना, ये टाइम अलग है, स्पीड अलग है तो डिस्टेंस भी अलग होगा, तो क्या है, क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला, टोटल स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस लिखेंगे अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पता है क्या? नहीं ना यार, टोटल डिस्टेंस कहाँ पता है, x1 मान लो x2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x1 + x2, टोटल टाइम 1 घंटा प्लस आधा घंटा 1 + 1/2। अभी x1 x2 निकाल सकते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने x लिया तो x/t लिखो सर, x क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और कितना सिंपल है, यहाँ से स्पीड इंटू टाइम करना है बस, 60 × 1, तो x1 कितना आ गया, 60 × 1, अरे कुछ तो नहीं है इस सवाल में, अरे x2 देखो बताओ क्या आ रहा है, 40 × 1/2, कितना आ गया ये 20 किलोमीटर, ये कितना है
60 किलोमीटर. आता काय करायचं, लोणचं घालायचं कायचं, या पुट करेंगे ना. 60 प्लस ये कितना है 20 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, कितना आ गया ये 80 अपॉन 3 बाय 2. तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा. 160 डिवाइडेड बाय, बोलो कौन सा आंसर आएगा. ये इसे सॉल्व करके देखेंगे, कम दिस आंसर 53.3. सिंपल. ठीक, एक थोड़े भयानक आत्मा वाला सवाल करते हैं. अभी सॉल्व किया, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको. ये गया, ये गया, 2 2 4, 2 3 6. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2.5 × 6 कितना होगा 150, और एक 15 आएगा ना, ये कितना आता है, ये 15 प्लस 7.5 अपॉन ये 6 है और ये 2 है, और 3 कहां चला जाएगा, ऊपर. 3 इसे काट देगा, इसको क्या बना देगा, 2. ये कितना आ गया, ये कितना आया ऊपर, 22 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4. अभी इसको 225 करो और नीचे क्या करो 40 करो और सिंप्लीफाई करो एंड चेक करो, इसका आंसर आएगा 45 बाय 8.